इंदु बात सुन बेटा, इंदु, तू कहाँ जा रही है? रुक जा। इंदु। ऋषि कुमार तुम वहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं ऐसे कूद जाऊंगी। इंदु बेटा रुक जा, देख मेरी बात सुन पहले, हाँ गिर जाएगी पीछे हो जा प्लीज। ऋषि कुमार मुझे मेरी मम्मी इस घर में वापस चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे कूद जाऊंगी। नहीं नहीं इंदु, मम्मी चाहिए ना, पापा लाके देंगे मम्मी। पहले मुझसे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस बेटा प्रॉमिस। प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम उस खड़ूस आंटी से शादी करने के बारे में सोचोगे भी नहीं, मेरी मम्मी के साथ रहोगे। करो प्रॉमिस। हाँ प्रॉमिस प्रॉमिस इंदु प्रॉमिस। बेटा नीचे नहीं कूदना, चोट लग जाएगी, आजा। प्रॉमिस बेटा, आजा आजा, शाबाश। ये रख लीजिए। आप जैसे सुलझे हुए और नेक दिल इंसान बहुत ही कम मिलते हैं जारा जी। दूसरों की भलाई के लिए दिल खोलकर डोनेशन देने वाले लोग कहां मिलते हैं आजकल? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप निश्चिंत होकर अपने पेशेंट को यहां छोड़कर जा सकते हैं। हम अपनी तरफ से उनकी बेहतरीन ट्रीटमेंट करेंगे। विनायक। हाँ साहब। पेशेंट को वार्ड में ले जाओ। मैडम, ये पेशेंट बार बार आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब, वो ये इनके कुछ फ्रॉक्स है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन्हें प्लीज यहाँ का यूनिफॉर्म मत पहनाना, उन्हें ये पहनना बहुत पसंद है, आप प्लीज उन्हें यही पहनाना। देख, मैंने कहा था ना तेरे से, तेरी खड़ूस आंटी इतनी दिल की बुरी नहीं है। वो देख, तेरी मम्मी को वापस ले आई हूँ। हाँ देख, मम्मी आ गई। देख मम्मी कहाँ है इसकी? ये बच्ची अपनी मम्मी को ढूंढ रही है। मैं समझ गया। इसकी बीमारी का इलाज इसकी मम्मी है। क्या हुआ जरा मुझे भी देखने दो। इंदु बेटा। नहीं। झूठी हमदर्दी दिखाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। चाहिए यहाँ से मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। चाहिए। झूठा नाटक नहीं चल रहा है यहाँ।